ट्विस्ट हैं, टर्न्स हैं, रोज़ यही इसीलिए आते हैं यहाँ पर, मेहनत करते हैं ताकि ऑडियंसिस को एंटरटेन कर सके। और सर अभी हाल ही में एकता जी ने अपना शो लॉन्च किया लोकम, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? सबसे अच्छी बात है कि कंगना जी उन्हें होस्ट कर रही है। हाँ जी हाँ जी, मैं खुद देखूंगा बिकॉज मुझे लगता है कि कंगना रनौत बहुत ही इंटरेस्टिंग होस्ट बनेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, काफ़ी इंस्पायरिंग है वो, वेरी आउटस्पोकन एंड फियरलेस। तो आई थिंक ऐसी लड़कियों की, लेडीज़ की ज़रूरत है इस देश में, जो एकदम फियरलेस हो, जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। लॉकअप बहुत ही इंटरेस्टिंग रियलिटी शो लग रहा है, एंड अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी लॉकअप हो जाऊँगा उसमें। और सर हाल ही में भी लता मंगेशकर जी ध्यान दो रहे हैं, उनके बारे में आई थिंक हमारे देश का एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। लता जी जैसी ना कोई सिंगर थी ना है, एंड मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ना कोई होगी। सो वो भी एक बहुत ही बेहतर जगह पर है, जन्नत में। सो मैं बस प्रे करता हूँ और विश करता हूँ कि वो जहाँ भी है उनकी सोल को पीस मिले, एंड बस उनकी फैमिली के लिए सारे प्रेयर्स, एंड उनके जितने भी फैंस हैं इंक्लूडिंग मी, हम सब उनकी यादों में रहेंगे। सर एक सॉन्ग हो जाए एक उनके लिए, जो उन्होंने 36,000 प्लस सॉन्ग लिए हॉलीवुड अलग अलग इंडस्ट्री में, क्या कहें सर एक सॉन्ग हो जाए? हाँ जी, आपका अच्छा चरित्र वो जो सॉन्ग है शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की फिल्म का, दो पल रुके कामों का बहाना और तुम चल दिए हम कहाँ। थैंक यू सर। थैंक यू।